वो टोटल हम लोग थे 13 जर्नलिस्ट, पासवर्ड यूज़ नहीं किया तो बंदे वहीं पे आपको ख़त्म कर देंगे। वो डेली मतलब 20-25 किलोमीटर हम लोग चलते थे पैदल, इतना रिस्की था, थोड़ा पैसे ले बहुत ही मतलब ख़त्म थे, चल नहीं पा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं। इंडिया का मैं आपको एक असाइनमेंट बता रहा हूँ जो फिजिकली मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, और ये मैं बता रहा हूँ ये नॉर्थ ईस्ट में जितने ये ग्रुप हैं वो कवर किए थे हम लोगों ने, उसका टाइटल था हिडन वार। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें फ़र्क क्या होता है, अब जो कोई भी मतलब आर्मी वाला बंदा होता है, सोल्जर होता है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जर्नलिस्टों को कोई ट्रेनिंग दी नहीं जाती इस टाइप की। आप सुबह ऑफिस में जाओगे, कॉल आता है कल आपको ये असाइनमेंट कवर करना है, तो मेरे साथ मतलब सेम मतलब वही सीन हुआ। सुबह मैं गया, मेरे पास फ़ोन आया कि असाइनमेंट कवर करना है, मैं क्या असाइनमेंट बोला, ये जितने ग्रुप है वो कवर करने हैं, और एक महीने का असाइनमेंट था, और फिजिकली इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए, जितने ये ग्रुप थे वहाँ पे UNLF, कुकी, बोडो, नागा वो सब कवर किए थे। एक ग्रुप था UNLF जिसमें हम लोग मतलब जंगलों में जा रहे हैं, मतलब 10 दिन का ट्रैक था वो, और डेली मतलब 20-25 किलोमीटर हम लोग चलते थे पैदल, मतलब पैरों में छाले पड़ गए हैं, बिच काट रही है, ब्लड आ रहा है, और टोटल हम लोग थे 13 जर्नलिस्ट, 13 जर्नलिस्टों के लिए 50 बंदों की सिक्योरिटी थी उनकी। सुबह निकलते थे, शाम को कैंप में पहुंच गए, शाम को कैंप में पहुंचने के बाद बाकायदे वो पासवर्ड देते थे, वो पासवर्ड देते थे, अगर जो आपने वो पासवर्ड यूज़ नहीं किया, मान लो कैंप से आप बाहर हो, पासवर्ड यूज़ नहीं किया तो बंदे वहीं पे आपको ख़त्म कर देंगे। इतना रिस्की था, चल नहीं पा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, जो मेरे साथ था प्रोड्यूसर रोहित खन्ना वो चल नहीं पा रहा था, बाकायदा उसके लिए तो एक्चुअली क्या उसके मतलब वेट भी काफ़ी था, 100 kg+ था उसका, तो 3-4 बंदे उसके सिक्योरिटी के लिए दिए हुए। एक दिन मतलब वहीं पे बैठ गया कि मुझे खाना चाहिए, उसके बाद मैं जाऊँगा, 2 सोल्जर जा रहे हैं वो खाना लेके आ रहे हैं, जो रिपोर्टर था वो बेहोश हो गया एक दिन, और एक दिन क्या हुआ चलते चलते मैं लिटरली रोने लगा, चल नहीं पा रहा था मैं, 2 सोल्जर आए, पैर मसल रहे हैं, पेन किलर खाई, फिर आधा घंटा वेट किया, फिर निकले, और कई जगह तो मतलब ऐसा था मतलब 2000-2500 फीट की हाइट थी, और जो आपका थोड़ा पैर स्लिप हो जाता लाइफ का लास्ट स्टेप होता है वो। तो हम लोग 5 दिन में पहुँचे थे वहाँ पर। फ़र्क क्या था मतलब हम लोग जो जर्नलिस्ट थे हम सुबह निकलते शाम को पहुँच जाते हैं, कैंप में पहुँचने के बाद जो 50 बंदों की सिक्योरिटी थी वो उसी कैंप में स्टे करती, जो नेक्स्ट के जो 50 बंदे जो उस कैंप में थे वो फिर हमें फॉलो करते, तो उनके लिए मतलब ईजी था, हमें कंटिन्यू मतलब चलना था, मतलब 10 दिन का वो ट्रैक था। सुबह क्या होता है उनकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी उनको, तो जब ट्रेनिंग दे रहे मैं मतलब वहाँ पर शूट कर रहा था, शूट करते करते एक सोल्जर आया मेरा हाथ पकड़ के झटका मारा मतलब खींच के, एकदम से हुआ कि हुआ क्या ये, तो बाद में उसने फिर मुझे बताया कि हमने क्यों मतलब साइड में आपको डाला था। एक्चुअली उनका जो फ्लैग था हर इसका ग्रुप का एक फ्लैग होता है, वो फ्लैग के नीचे उन्होंने माइंस बिछा रखे थे कि दूसरा कोई ग्रुप होगा जो अटैक करेगा उसके फ्लैग को हटाएगा, अपना फ्लैग लगाएगा, और जैसे फ्लैग लगाने के लिए आएगा बंदा वहीं पर खड़ा होगा। और ऐसे ऐसे मतलब थे वहाँ पर उनके कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई कुछ है, उनकी एज कितनी थी मतलब 15 साल 16 साल, और वो आसपास के गांव के लड़के ही थे और कोई बाहर का लड़का नहीं था। ले उनके लिए मतलब क्या था उनका बेसिकली टारगेट क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, इंडियन गवर्नमेंट है क्यों, हमारी अलग से कंट्री होनी चाहिए, उन्होंने अलग से अपनी पार्लियामेंट बना रखी है, अलग से उनका सेशन चलता है टाइप से। ट्रक के ऊपर हम लोग जा रहे थे तो बाकायदा मतलब 2 लड़के जो उनके सोल्जर थे एक बड़ा पत्थर लेके स्टोन लेके पीछे पीछे चल रहे थे कि थोड़ा जो पैर स्लिप वो टायर स्लिप होता तो टायर के पीछे लगाने के लिए सपोर्ट करने के लिए। हम बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे उसमें मतलब इस कंडीशन में थे, नहीं मतलब किसी तरह मतलब वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद शूट किया। अब एक दिन मतलब सुबह से लेके शाम तक मतलब एक कोई नहर टाइप थी पानी में से, पानी में सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट किया, शाम को 5-6 बजे तक पानी में चलते जा रहे हैं, और मतलब खाना ऐसे खाते थे जैसे पेड़ है, ये पेड़ पत्ते हैं, उनके पत्तियों को तोड़ के उसमें नमक मिर्च डाल के चावल बनाते थे, और लंबा कोई प्लास्टिक डाल के उस पर जैसे 10 बंदे इधर 10 उधर, जैसे मतलब कहने चाहिए जैसे जानवर होते हैं ऐसे खाते हैं ना, उस टाइप से हम लोग खाना खाते थे। कोई मतलब किसी चीज़ का अंडा है उसको तोड़ के खाने लगे वो खा रहे हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन हम लोग पानी में से जा रहे थे उस दिन उनका कोई कैंप का नहीं था, हम लोग नहर के पास में रुके हुए थे तो वहीं पे टेंट डाल लिया, वहाँ पे सो रहे थे हम लोग, जंगल साउंड, बारिश आ रही है, लीच काट रहे हैं। और सेम मतलब यही प्रॉब्लम हुई थी मेरी इराक वाले उसमें, क्योंकि वहाँ पे भी नेटवर्क का वो था नहीं, हम लोग घर वालों से बात कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उनका जो सोल्जर था उन्होंने नंबर लिया, हमारे मोबाइल नंबर लिए, और 4-5 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन किया हमारे घर पे, हमारी बात नहीं कराई, उन्होंने मैसेज दिया कि तुम्हारा लड़का इतने टाइम के बाद आएगा।
अच्छा। और कई बार मतलब पगडंडी पे जा रहे हैं, एक बंदा आगे जा रहा है, वो ये कोई रस्सी पकड़ रहा है, रस्सी के सारे जा रहे हैं, मतलब 2,000-2,500 फीट की हाइट है, थोड़ा फैसले बहुत ही मतलब ख़त्म थे। एक दिन मैं शाम को गया, शाम को जैसे ही मतलब कैंप में पहुंचा, मैं कपड़े चेंज कर रहा था, एकदम से मतलब पीछे मतलब सिर लगा मेरा। तो कोई दिन ऐसा नहीं था मतलब जो पेन किलर नहीं खाते थे, कभी रोना शुरू कर देते, चल नहीं पा रहे थे। एक वो ग्रुप था, एक था कुकी ग्रुप, कुकी ग्रुप में हम लोग मतलब बर्मा गए थे, बर्मा में वहाँ पे शॉपिंग की, एक्चुअली कपड़े वगैरह लेके नहीं गए थे हम लोग ज़्यादा, तो बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एक्चुअली बॉर्डर के आसपास ही ये जितना भी एरिया है। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके आए, कपड़े लेके आए, उसका भी मतलब सेम मतलब वही सिचुएशन थी, सुबह निकल रहे हैं, शाम को वापस जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। बुक लॉन्च करने में मतलब मेन रीज़न ये था, एक तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि कैमरा में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, और दूसरा ये था जो मैंने दो इसको उसमें लिखा हुआ है वायलेंस में, फर्स्ट में क्या है जितने 1990 से लेकर अभी तक मीडिया कितना चेंज हुआ है, वो जो सेकंड पार्ट था जो मैंने कवर किए हैं। आज के टाइम पे काफ़ी मतलब कैमरामैन ऐसे हैं जिनको मतलब सोचते रहते हैं यार हमें वार जोन में जाना चाहिए, वार कवर करनी चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं पाते हैं। उन तक मैसेज पहुँचने मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करता है, किताबों में पढ़ते रहते हैं, वार जोन में जाओगे आपको किसी छत के नीचे से मतलब खड़ा होकर शूट करना पड़ेगा, दीवार के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, ओपन में नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर जगह आपकी थ्योरी काम भी नहीं आती है, प्रैक्टिकल जब करो तब पता लगेगा। एक इराक वार का मैं बता रहा हूँ, एक कैमरामैन था उसने 8 वार कवर कर चुका था, वो जो उसका 9वां वार था इराक में उसकी डेथ हुई थी, यूएस का था, और वो सिर्फ क्या कर रहा था मतलब ओपन में दीवार के पास में कैमरामैन ऐसा कैमरा पकड़ा हुआ था शूट कर रहा था, ये यूएस आर्मी ने देखा कि कोई इराकी है, उन्हें उसी टाइम पे मतलब फायर किया, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी, 8 बार कवर कर चुका था। देखो वो एक गोल्डन टाइम था, वो जिस टाइप से 2010 के बाद चल रहे हैं इंडस्ट्री, मुझे लगता नहीं वो दोबारा आएगा, और मैं तो आज भी मतलब वेट करता हूँ उस टाइप के असाइनमेंट का, मुझे असाइनमेंट मिले। श्रीनगर में जितना भी वायलेंस होता है मैं आज भी अपना नाम देता हूँ, कहीं पर भी होता है मैं इंतजार करता हूँ इस टाइप का असाइनमेंट मिले।